गर्मी की छुट्टियाँ होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे क्या करे। जैसे कि स्टोरी टाइम वीडियो बनाना और अपने पुराने यादों को ताजा करना। Hey guys, फ्यूचर ओवर हियर, और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज के स्पेशल स्टोरी टाइम वीडियो में हम शेयर करेंगे हम अर्ली 2000 किड्स के समर वेकेशन कैसा हुआ करता था, बिना स्मार्टफोन के हम हमारे समय कैसे बिताते थे, और कौन कौन सी चीज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं आज की इस AI टेक्नोलॉजी के युग में। तो तैयार हो जाओ एक नॉस्टैल्जिक सफर के लिए। तुम में से जो भी अर्ली 2000 किड हो, तुम्हारे लिए तो एक बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है तुम्हारे सारे फेवरेट डोरा ट्यूबर्स। तो तुम्हें बहुत सारे स्टोरी टाइम एक साथ सुनने को मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले हमारे साथ अपने समर वेकेशन की मेमोरी शेयर करने वाला है हर्ष भाई, यानी कि एनिमे स्पिरिट। सो ही गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? तो यार, सबसे पहले तो फ्यूचर रोबो को थैंक यू मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। एंड देन अगर बात करें एक मेमोरी के बारे में, जो कि समर वेकेशन के टाइम पे थी। समर वेकेशन के टाइम पे टीवी पे डोरेमोन की तरह निंजा हथौड़ी जैसे अमेजिंग शोज देखना, कोई न्यू डोरेमोन मूवी आ जाती थी तो उससे बढ़िया दिन मेरे लिए कोई नहीं होता था। गर्मियों के टाइम पे घर पे आइसक्रीम जमा के खाना, और सुबह देरी से उठना, अपने भाई बहनों के साथ टेस्टी टेस्टी खाना खाना, यार ये मेरी सबसे फेवरेट मेमोरीज हैं। तो यार, तुम लोग भी अपनी फेवरेट मेमोरीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, जून के मंथ में जब वो बारिश वाला मौसम होता था, अपने घर की खिड़की के सामने बैठ के आसमान से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखना, बारिश की आवाज सुनना, एंड बारिश के रुक जाने के बाद जब मिट्टी से वो महक आती है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है। कभी कभार गर्मियों की छुट्टी के टाइम पे हम लोग गाँव भी जाया करते थे, गाँव में जाके गाँव के आम खाना। हालांकि मेरा गाँव जौनपुर के पास है तो बहुत गर्मी होती थी वहाँ पे, बट रात को खुले आसमान के नीचे सोने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता था। हाँ, लेकिन डर भी बहुत लगता था। अभी यार देखा जाए तो बारिश अभी भी आती है, डोरेमोन की न्यू मूवीज एंड एपिसोड में मोबाइल पे देख सकता हूँ, बट पता नहीं कि वो पहले वाली फीलिंग नहीं आती। तो यार सही में हमारा चाइल्डहुड बहुत स्पेशल होता है, हर छोटी चीज को बहुत स्पेशल बना देता है। तो यार मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मोबाइल पे थोड़ा कम ध्यान दो और अपने आसपास की दुनिया में भी खुशी ढूंढो। तो भाई ने बहुत अच्छे अच्छे मेमोरी शेयर करे हैं, खास करके बारिश वाला पार्ट आई गेस सभी रिलेट कर सकते हो। अब हम पहले जैसे बारिश में भीग नहीं सकते और लाइफस्टाइल में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि बारिश के बाद मिट्टी का वो खुशबू बहुत कम ही लोग फील कर पाते हैं। अब हमारे गर्मियों की छुट्टी की यादें ताजा करने वाला है रोहित भाई, यानी कि पोके एक्स टॉक्स। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ रोहित फ्रॉम पोके एक्स टॉक्स। एंड यार, मैंने अपने बचपन को जिस तरह से जिया है ना, मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। खासकर यार समर की छुट्टियों में तो पूरा पूरा दिन घर बैठकर बस डोरेमोन को देखना, क्या मजा था यार। सच में उस टाइम पर लाइफ कुछ अलग ही थी, ना पढ़ाई की टेंशन, ना करियर की टेंशन, ना किसी और चीज की टेंशन। बस टेंशन तो इस चीज की होती थी कि यार ये छुट्टियां बस खत्म ना हो जाए, बाकी तो पूरा दिन बस खेल कूद और टीवी देख। मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी तो बस यार वही है जब डोरेमोन की मूवीज को स्टार्ट होने का वेट करता था पूरा पूरा दिन बैठकर, और फिर स्टील ट्रूप्स मूवी स्टार्ट हो जाती थी। यार उस मूवी को देखने में अलग ही सुकून मिलता था मुझे। एंड भाई, आज भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ डोरेमोन के नॉस्टैल्जिया सॉन्ग्स को सुनकर। मुझे सबसे ज्यादा नॉस्टैल्जिया एक सॉन्ग को सुनकर लगता है, नहीं नहीं सबसे पहले प्यार नहीं, वो सॉन्ग तो कुछ इस तरह है। जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या ये सब भूल जाएंगे, फिर भी हम सब सोचेंगे कि फिर से हम बचपन जिए। आई नो बहुत बेकार गाया है, बट आज भी ऐसा लगता है इस गाने को सुनकर कि काश मैं एक बार फिर से बचपन जी पाता यार। पर सैड पार्ट ये है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं मेहनत करके, लेकिन एक बार बचपन चला गया तो उसे वापस नहीं ला सकते। तो यार अगर इस समय तुम्हारा बचपन चल रहा है ना, अगर तुम 13, 14 साल, 15 साल के बच्चे हो, तो यार ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, इंजॉय करो। अपने माथे पर कभी मैच्योरिटी का टैग लगाने की कोशिश मत करना जब तक तुम्हें रियलाइज ना हो कि अब तुम्हें रियलिटी में मैच्योर होने की जरूरत है। बाकी हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर सच में यार मैं सच बोल रहा हूँ, अब भी मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन यार इस वीडियो में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, तो इसीलिए यार मैं हूँ और ज्यादा नहीं बोलता हूँ। बाकी थैंक्स बोलना चाहूंगा फ्यूचर रोबो भाई को मुझे इस कोलैब में शामिल करने के लिए। तो वेल, फिलहाल मैं चलता हूँ। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया भाई ने, सिंचन जैसा बनना है, कजामा जैसा नहीं कि प्रिटेंड करता फिरो कि माया तो बड़ा हो यार तुम लोग बच्चे हो, वरना फिर एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे तुम बड़े हो जाओगे और फिर बचपना करने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे साथ है तो भी भैया, भाई को तुम जानते होंगे सारे नॉस्टैल्जिक एक्सप्रेस की वीडियोस में भाई आ चुका है, तो चलते हैं तो भी भाई के गर्मियों की छुट्टी के सफर पे। तो समर वेकेशन की अगर हम बात करें तो यार देखो, दो समर वेकेशन होती थी। एक तो वो होती थी भाई जो कि हम घर में मनाते थे फैमिली के साथ, जिसमें हम मोस्टली दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे या फिर कोई ना कोई उल्टी सीधी गेम इन्वेंट कर देते थे। भाई हमने एक बहुत ही अजीब सा चेस गेम इन्वेंट किया था, जिसमें तुम्हें सांप सीढ़ी की तरह से डाइस फेंकने होते थे दो बार, ठीक है, एंड जो नंबर आया है, हाँ
पहली बार में उस नंबर का वो सिपाही मतलब वो गोटी बोल लो हाँ, एंड सेकंड में जिस नंबर का जो सेकंड में जो नंबर है उतनी चाल तो हमें चलनी है। हमने ऐसे अजीब अजीब गेम इन्वेंट कर रखे थे भाई टाइम पास करने के लिए। इसके अलावा भाई दोस्तों के साथ बेब्लेड खेलने में कोई क्रैक्स में भी बेब्लेड मिलता था तो हम वो वाला बेब्लेड वगैरह खेलते थे। एंड बाकी आपके गाँव के तो गाँव का सीन बहुत ही अलग था, लाइक झूले पे झूलना, आम के पेड़ पे चढ़ना, गाय का दूध निकालना, बकरी के अंडे सॉरी मुर्गी के अंडे चढ़ाना क्या बोलता हूँ भाई, तो ऐसी ऐसी हमारी चीज़ें होती थी। बट मेस्ट चीज़ होती है भाई शाम को। अब कैसा होता है कि रात के टाइम पे एक सब कजिन ना छत पे सोते थे, गर्मी का सीज़न था तो छत पे सोते थे, तो भाई ऐसा सब लोग एक दूसरे हॉरर स्टोरी सुनाते थे, इंसिडेंट सुनाते थे। अब भाई डर भी लगता है लेकिन मज़ा भी आता है। तो यार आई रियली मिस दिस थिंग भाई, अभी के टाइम पे इतना होता नहीं होगा, सब कजिन अपने अपनी लाइफ में बिजी है। बाकी तो समर वेकेशन में बहुत सारे ऐसे किस्से जिनको अगर सुनाने बैठे तो पूरे 2-3 घंटे का पॉडकास्ट निकल जाए, तो वो फिर कभी हम सुनाएंगे। बट बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी समर वेकेशन में फुल ऑन एंजॉय करो, ठीक है? क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है, जियो हंसो खुश रहो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। बहुत ही अच्छे अच्छे मेमोरी शेयर किया भाई ने, एंड स्पेशली रात में कजिन के साथ गप्पे लड़ाना बहुत रिलेटेबल हो गया है। तो अगले हमारे साथ है प्रतीक भाई, यानी कि ऑल एनिमे फैक्ट्स। मेरे बाद अगर कोई कंसिस्टेंट रहा होगा यूट्यूब में तो भाई है, तो सुन लेते हैं भाई की समर वेकेशन की यादें। हे क्या हाल चाल है यार तुम सब लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तो यार मैं हूँ ऑल एनिमे फैक्ट। हाँ हाँ वही ऑल एनिमे फैक्ट जो 1 साल से वीडियो नहीं डाल रहा है और दूसरों के चैनल पे कोलैब कर रहा है, पता नहीं क्यों। खैर रोबो भाई ने जो हमसे पूछा वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो मेरा समर वेकेशन कैसे जाता है, आप सभी को पता है दिल्ली वालों के पास एक ही चीज होती है, समर वेकेशन में चलो नानी के घर। हाँ तो मेरी यही मेमोरीज हैं यार मेरे साथ की, लाइक जब हम नानी के यहाँ जाते हैं तो मेरे कजन्स भाई आते हैं, एंड जिन्हें नहीं पता मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। एंड उस समय क्या होता है समर वेकेशन में, पहली बार फसल कटाई होती है, एंड जो वो फसल कटाई होती है वो पहली बार भोग लगता है भगवान जी को, हमारे ईष्ट देवता जो है उन्हें लगता है। और वो जो दिन होता है उस दिन सही में बहुत आनंद आता है। उस दिन हमारे देवता बाहर आते हैं अपने गर्भगृह से, दर्शन देते हैं भक्तों को और सबसे वादा करते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। एंड बाकी क्या है, हम खेलते हैं कूदते हैं मौज करते हैं। साथ ही साथ मेरे कजन भाइयों से मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, पता नहीं क्यों यार मैं ऐसा क्यों था। मैं अगर अपना किस्सा सुनाऊँ तो हम आराम से खेल रहे थे और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि कजन भाई से मेरी बहस हो गई। बेसिकली हम क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट में कोई लफड़ा हो गया था। उस दिन मेरी बहुत तगड़ी बहस हुई थी और लड़ाई हुई थी। उस दिन मम्मी ने बहुत मारा था और मामा ने भी बहुत मारा था मुझे। मेरे नानी के यहाँ जो भी हम सारे भाई हैं सबसे ज्यादा मामा से डरते हैं और मैंने उनसे बहुत ज्यादा मार भी खाई हुई है। इससे ज्यादा तो खास नहीं होता मेरा कुछ। बाकी यही थी मेरी जिंदगी समर वेकेशन की। अब तो खैर छुट्टियां पड़ती नहीं क्योंकि मैं कॉलेज वॉलेज कर रहा हूँ, इस टाइम पे मेरे पेपर चल रहे होते। चलो मिलते हैं, तुमसे ज्यादा ही वीडियो लंबी हो गई, मैं जाता हूँ, बाय बाय। रोबो भाई हटा दे अब। बहुत ही बढ़िया मेमोरीज हैं, पता नहीं बचपन में हम लोग क्यों ऐसे थे लेकिन मजे जरूर किए थे। नेक्स्ट हमारे साथ है टून अपडेट भाई। सो हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यार मैं हूँ टून अपडेट और जैसा कि आप जानते हैं कि आप द फ्यूचर रोबो चैनल देख रहे हैं, एंड भाई का मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल के ऊपर इनवाइट किया। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के समर वेकेशंस आज के बच्चों के समर वेकेशन से काफी ज्यादा डिफरेंट होते थे। हालांकि मैं खुद उतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन मेरा पूरा स्कूल लाइफ बिना मोबाइल के ही गया है, स्मार्टफोन के गया है, सिवाय लास्ट के 2-3 ईयर्स के। सो ये तो आप जानते ही होंगे कि आज के बच्चों के समर वेकेशन स्मार्टफोन्स के अंदर जाते हैं, यानी कि उनकी सारी समर वेकेशन स्मार्टफोन देखने में, सोशल मीडिया यूज करने में ही निकल जाती हैं। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं 2014, 15 एंड 16 की, सो उस टाइम स्मार्टफोन्स उतने होते नहीं थे। एंड अगर पर्सनली मेरा बात करूं तो मेरा जो समर वेकेशन है वो टीवी देखने एंड खेलने के अंदर जाता था। टीवी में भी उस टाइम काफी अच्छे शोज आते थे। कुछ शोज जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं वो है ताकेशी'स कासल, मिस्टर बीन, डोरेमोन तो है ही, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, करेज द कावर्डली डॉग शो, हड्डी मेरा बड्डी, योकाई वॉच, कोची कामे, स्कूबी डू, रिची रिच, एंड कुछ इंडियन भी थे जैसे किमोनाचे एंड कुंभकर्ण, एंड कुछ और भी बहुत सारे शोज थे जो कि उस टाइम आते थे एंड मैं देखा भी करता था। एंड अभी ये सारे ही शोज लगभग बंद हो चुके हैं। हालांकि डोरेमोन चल रहा है लेकिन पता नहीं क्यों वो पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही। हालांकि कुछ ओल्ड एपिसोड्स डोरेमोन के जब आते हैं तो काफी अच्छा लगता है, न्यू वालों में बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं आती हैं, ना ही मूवीज मतलब ज्यादा अच्छी लगती है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। इसके बाद जो था हमारा खेलने में जाता था समर वेकेशन, क्योंकि उस टाइम स्मार्टफोन्स तो जैसे मैंने बताया थे ही नहीं, तो हम अपनी ही कहानी बनाकर खेलते थे। जहां तक हमारी बात करूं तो हम मतलब खुद की ही स्टोरी बना लेते थे, उसके हिसाब से ही मतलब एक फिल्म टाइप में हम एक्टिंग से करते थे, कोई एक विलन कोई एक हीरो ऐसे ही करते थे। एंड हम हर 2-3 दिन में कोई ना कोई नया गेम ढूंढ ही लेते थे, नॉर्मल गेम्स तो खेले ही जाते थे
जैसे कि लुका छुपी या फिर और भी जो भी, जैसे सांप सीढ़ी और ये जो गेम्स हैं, ये सब तो खेलते ही थे, लेकिन जो गेम्स हम खुद से इन्वेंट करते थे उनकी मजा ही अलग होता था, उनकी फीलिंग ही अलग होती थी। ऐसे ही हमने एक बार मैन वर्सेस वाइल्ड का एक एपिसोड भी रिक्रिएट किया था। काफी पुरानी बातें हैं इसलिए मुझे सारी की सारी याद नहीं है। बाकी यार अब बात यह है कि हम उसमें से क्या मिस करते हैं, तो यार मैं सब कुछ मिस करता हूँ उसमें से, वो टाइम, वो एनवायरनमेंट, वो टीवी के शोज, जितने भी शोज आते थे सारे के सारे, एंड वो गेम्स जो कि हम खुद से बनाते थे, वो क्रिएटिविटी, मतलब सब चीजें ही मैं मिस करता हूँ अगर मुझसे पूछो तो। लेकिन यार मैं सोचता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ, मुझे अपने लगभग सारे समर वेकेशन ट्रेडिशनली टाइप से बिताने का मौका मिला, क्योंकि यार अब आगे आगे तो सब कुछ चेंज होने ही वाला है, आप लोग जानते हैं, और हम कह सकते हैं कि चेंज हो चुका है क्योंकि अभी समर वेकेशन वैसे नहीं रही हैं। बाकी अभी तो मैं स्कूल से निकल चुका हूँ, तो कहना है कि अब तो हमारे समर वेकेशन वैसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि आगे तो वेकेशन केवल नाम के वेकेशन है। बाकी यार बस इतना ही कहना चाहता था मैं, थैंक यू। भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि समर वेकेशन हमारे टाइम पे कैसा हुआ करता था। स्पेशली जो शोज की बात किया वो सभी मैं भी देखता था, तो बहुत रिलेटेबल हो गया मेरे लिए। तुम में से कौन कौन ये सारे शोज देखते थे कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट हमारे साथ है एनिमे हंगर भाई। 2014-15 की गर्मियों में जब हमको स्कूल से छुट्टियां मिलती थी, तब मुझे अभी भी याद है कि हमारे टीवी पर डोरेमोन की स्पेशल मूवीज आया करती थी और साथ ही में सिंचैन की, लेकिन मैं ज्यादातर डोरेमोन तब देखना प्रेफर करता था। एंड डोरेमोन की मूवीज से तब आती थी डोरेमोन नाइट्स एंड स्टील ट्रूप्स, वो दोनों मूवीज मेरी फेवरेट हुआ करती थी। चाहे जितनी भी बार मूवीज आ जाए मैं उनको देखना पसंद किया करता था, एंड उन मूवीज में एक समर वाली वाइब भी थी, तो हम लोग जब देखते थे तब मुझे अच्छा लगता था। लाइक आपने स्टील ट्रूप्स और डोरेमोन नाइट्स दोनों मूवी देखा होगा कि आपको समर की थोड़ा बहुत वाइब मिल जाता है, तो इसलिए मुझे समर में मूवीज देखने को बहुत पसंद आता था। प्लस सिंचैन की मूवीज की बात करें तो सिंचैन के भी कई सारे ऐसी मूवीज है, लाइक जो स्पाई वाली मूवी थी या फिर और भी बहुत सारी मूवीज जो कि हम लोग देखा करते थे गर्मियों की छुट्टियों में। खैर उनको अभी भी अगर टीवी पे दे तो मैं अभी भी देख लूं, लेकिन भाई क्या करूं, अभी टाइम के वजह से हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि भाई अपने फेवरेट एनिमेस और कार्टून्स को देख ही नहीं पाते। फिनिस एंड फब्स में बहुत ही ज्यादा देखा करता था गर्मियों के दिनों में। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताओ यार कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट था तब के टाइम पर। भाई की मेमोरीज भी काफी रिलेटेबल है, डोरेमोन नाइट्स तो भाई फेवरेट मूवीज में आती है, और स्टील ट्रूप्स के बारे में क्या ही कहना। नेक्स्ट हमारे साथ है हर्षित भाई यानी एनिमेशन एरा। तो हे डियर गाइस, मैं हूँ एनिमेशन एरा। तो जब भी हमारे स्कूल में छुट्टियां पड़ती थी, जब समर वेकेशन आया करते थे, तो आखिर हम लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे यार, तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन रही बात मेरी, तो 2 महीने के आसपास हमारी छुट्टियां पड़ती थी, जिसमें से 1 महीना हम लोग गाँव में रहते थे, जहाँ पे गाँव में उस टाइम पे आम के पेड़ होते थे और गर्मियों का मौसम होता था, तो यार आम पट 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 कर जब जमीन पे गिरते थे ना, जब बारिश का मौसम आता था, तो आ हा हा हा, वो भी यार क्या ही दिन थे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने गाँव जाते होंगे आम के सीजन में, जहाँ पे पेड़ों पे जब आम होते हैं, तो यार वो भी यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग वेट करते थे यार कब पेड़ में से आम गिरेगा और कौन सबसे पहले जाके वो आम लेगा, जिसके बाद हम लोग 1 महीना अपने वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अपना दूसरा महीना यहाँ पे जब दिल्ली आते थे या फिर कहीं पे भी आप लोग अपने जब घर आते थे, अपनी सिटी में आते हो, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हाँ टीवी वॉच करते हैं। और यार उस टाइम पे कुछ ऐसा होता था, जैसे ही समर वेकेशन आते थे तो डोरेमोन के नए एपिसोड भी आया करते थे, लाइक समर वेकेशन वाले, जहाँ पे उनके साइड में भी बिल्कुल दिखाया जाता था कि बिल्कुल समर का मौसम है, गर्मी है और वो लोग मस्ती कर रहे हैं, तो यार उस टाइम पे भी काफ़ी मज़ा आया करता था। और उस टाइम पे अगर छुट्टियाँ पड़ी हैं और डोरेमोन की कोई मूवी आ जाए, डोरेमोन या फिर सिंचैन की कोई मूवी आ जाए, तो भाई मतलब यार वो समर वेकेशन बेस्ट हो जाता था, जब डोरेमोन की कोई मूवी आया करती थी या फिर उस टाइम पे सिंचैन की कोई मूवी आया करती थी। तो यही है मेमोरीज जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और आप लोगों का कैसा समर वेकेशन रहता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी के सभी। एरा भाई ने तो काफी कुछ याद दिला दी, ऐसे गांव का रहने वाला मैं तो बहुत लेट करता हूँ, आम और बारिश की तो भाई बात ही अलग है अगर तुम गांव में रहते हो तो। वेल तो अब मैं बताने वाला हूँ कि मेरे समर वेकेशन कैसे हुआ करता था। मैंने सबकी मेमोरी सुनी और एक चीज मैंने नोटिस किया कि मेरा समर वेकेशन काफी अलग हुआ करता था, सबका काफी कैजुअल स्टार्ट हो जाता था समर वेकेशन, जबकि मुझे इंतजार करना पड़ता था पूरे 6 महीने कि कब आएगा समर वेकेशन, कब मैं घर जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा बचपन बिता है हॉस्टल में। पूरे साल में बस 2 बार मैं घर जा पाता था, एक समर वेकेशन के टाइम पे और एक विंटर वेकेशन के टाइम पे, और बीच में 7 दिन दुर्गा पूजा के टाइम पे। तो एक तो होता था लंबी इंतजार कि कब समर वेकेशन स्टार्ट होगा, और वेकेशन स्टार्ट होने के दिन काफी लोग बहुत बुरे बुरे प्रैंक करते थे कि वो देख तेरा घर वाले आ गया, और हम दौड़ के जाते थे और देखते हैं कि आया नहीं कोई, तो जैसे तैसे करके प्रैंक से बच के घर वालों से मिलने के बाद होता था असली सफर शुरू। और उस टाइम पे ट्रेन की जर्नी बहुत ही मजेदार हुआ करता था, ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाता था जो कि सेम कार्टून देखते थे, और भाई कैसे सफर बीत जाता था पता ही नहीं चलता, लेकिन आखिर में हम नंबर लेना तो भूल ही जाते थे।
तो लंबी ट्रेन जाने के बाद मैं पहुंचा था घर, और उस टाइम पे हम रहते थे झुमरी तिलैया कोडरमा में। घर पहुंच के जो खुशी होता था वो टीवी को देख के होता था, क्योंकि 6 महीने के बाद टीवी देखने जा रहा हूँ। जाहिर है हॉस्टल में टीवी तो नहीं होता था, तो 6 महीने बाद पहली बार टीवी देख के भाई क्या मजा आता था। सबसे ज्यादा मजा आता था अगर उसी दिन डोरेमोन या सिंचन का कोई मूवी आ जाता तो, और पोकेमोन देख के मैं हमेशा सरप्राइज हो जाता था कि ऐस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सबसे ज्यादा मजा आता था दोपहर में, नीचे से आइसक्रीम वाली गाड़ी की आवाज आता था जबकि मैं घर में बैठकर कुछ ना कुछ बढ़िया शो देखता था। उस टाइम पे कुंग फू हासिल और ड्रंकन मास्टर, ये दोनों मेरा फेवरेट मूवी हुआ करता था, और दोनों ही कार्टून नेटवर्क पे भी आता था। और वो टाइम था डीवीडी कैसेट्स के टाइम, तो मैंने बॉलीवुड हॉलीवुड कार्टून एनिमे सभी के बहुत सारे मूवीज देख लिया करता था। आइस एज, अ नाइट इन अ म्यूजियम, हैरी पॉटर, और टीवी की बात करूं तो मिकी माउस, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, परमैन, कितरेट्सू, मिस्टर बीन, ताकेशी'स कैसल, कारेज एंड द कावली डॉग, बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी, ये सारे मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट शो हुआ करता था। तो झुमरी तिल्लाया में तो बहुत ज्यादा मजा आता था, और कहीं कई बार गर्मियों की छुट्टी में मैं जाता था नाना जी के घर में। वहाँ पे उस टाइम पे करंट भी नहीं था, टीवी तो दूर की बात, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आया करता था। वहाँ पे एक भैया था जो कि भूतों की स्टोरी सुनाया करता था, और एज ए हॉरर फैन मुझे तो बहुत मजा आता था। ये सब बताते बताते मैं पता नहीं कहाँ पे टाइम ट्रेवल करके पहुंच गया था, लेकिन अभी ये सब बस मेमोरीज ही है, बिकॉज मैं अभी झुमरी तिल्लाया में नहीं रहता, अभी मैं घर में रहता हूँ, और नाना जी के वहाँ भी बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। करंट वगैरह आ चुका है, टीवी वगैरह आ चुका है, तो उस टाइप का मजा अभी नहीं हो सकता। बट एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैंने अपने बचपन फुल लॉन एंजॉय किया है, और तुम लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे बचपन अभी चल रहा है तो पूरी तरीके से एंजॉय करो। वेल, तो यही था मेरे समर वेकेशन की यादें, सभी के समर वेकेशन की यादें। तो अगर तुम हमारे इन यादों से कुछ रिलेट कर पाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। वीडियो को बनाते हुए बहुत मेहनत लगी, सभी ने बहुत मेहनत किया है। इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करो। तुम्हारे कौन कौन से समर वेकेशन यादों को तुम मिस करते हो वो कमेंट करके जरूर से बताना। सभी के चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सबके चैनल चेकआउट जरूर से करना, सारे बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं। तो हम सभी तुम्हें मिलते हैं फिर किसी कोलैब में, हो सके तो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, और आज के लिए बाय बाय।